मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, पार्ट्स एंड होल्स। और आज का टॉपिक है फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सबसे पहले स्मॉल नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। आप सभी ये जानते होंगे। फ्रैक्शन में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? सो, यहाँ पर आपके सामने चार फ्रैक्शन है, 12/17, 14/17, 18/17 एंड 16/17। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सो, आप देख रहे हैं इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, 17। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि कोई चीज़ है जिसके 17 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। ठीक है, अब उसमें से एक फ्रैक्शन में 12 पार्ट लिए हुए हैं, एक में 14 है, एक में 18 है और एक में 16 पार्ट लिए हुए हैं। तो सबसे कम पार्ट किस में है? 12/17, यानी कि सबसे कम पार्ट है ये, सबसे कम है ना। उसके बाद उससे ज़्यादा पार्ट किस में है? 14/17 में, और उसके बाद 16/17, और लास्ट में है 18/17, यानी कि सबसे कम पार्ट इसमें, उससे ज़्यादा पार्ट इसमें, और इससे ज़्यादा पार्ट इसमें, और सबसे ज़्यादा पार्ट इसमें। तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। जब कोई फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम होते हैं और न्यूमिनेटर अलग अलग होते हैं, तो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना इजी होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं और आपको सिर्फ न्यूमिनेटर चेक करना होता है। जिसका न्यूमिनेटर सबसे कम होगा वो सबसे स्मॉल होगा, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा। इसी तरीके से एक और देखते हैं। अब इसमें देखिए, 19/25, 10/25, 23/25 एंड 16/25। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि किसी चीज़ के 25 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, जिसमें से 10 पार्ट लिया हुआ है, तो यानी कि ये सबसे कम पार्ट है। इनमें आप देखेंगे 10/25 सबसे कम है, उसके बाद है 16/25, उसके बाद कितने पार्ट हैं? 16/25, और उसके बाद 19/25, और लास्ट में है 23/25, यानी कि सबसे कम पार्ट इसमें और उसके सबसे छोटा, यानी कि ये हुआ, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, और सबसे बिगर ये। तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। नाउ, अब आपको भी ये जो क्वेश्चन है इनको भी, आपको ये जो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, गुड लक।